सारे पोस्टर फाड़ दो। जी भाई ये तो मर गया। एक ही पंच में जान लेकर काठी पे लिटा के हार भी चढ़ा दिया। ए कौन है रे तू? कनका हूँ। ये है कनका, कड़प्पा का लड़का। क्या है बे? क्या है बे? किधर है बे? ये सब बॉर्डर के बाहर चलता है। यहाँ हमेशा कनका ही है। हम चाहे कोई भी पोस्टर लगाएं, तुझे जलन क्यों हो रही है? ए, जाके तोड़। इस इलाके में सिर्फ मेरा ही बस चलता है और यहाँ के शहरों में सिर्फ यहीं की फिल्में चलनी चाहिए। ए, वहीं रुक जा। 3 करोड़ की फिल्म बनाने वाले तुम लोग, 100 करोड़ की फिल्म बनाने वाले हम लोग, हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है तुझे। अरे इतनी हिम्मत तो हमसे टकराएगा? अबे गधे, एक कहानी सुन, तुझे एक सच्चाई बताता हूँ। राजाओं के राजा हैं हमारे राज भैया। जंगल से आकर वो यहाँ विक्रमादित्य बने। वो एक साधु के रूप में जाबाज थे। हॉलीवुड वालों के लिए वो एक रोबोट थे, माँ के लायक का बेटा। उनकी माँ नाना बीबी तमिलनाडु के थे। सिर्फ इतना ही नहीं, भाई का रचा हुआ नया इतिहास ही तुम्हारा अभी बनाया हुआ बाहुबली है। अब क्या होगा? ए, चुप रहे, चुप रहे। तुझे पता है कि भाई कौन है? सुन बच्चे, यहाँ तुम जैसी कितनी सारी चवन्नियाँ हैं जो अपने आप को भाई समझकर भटक रही हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आगे भी ऐसे बहुत सारे पैदा होंगे लेकिन वो सब मैं गिनता भी नहीं हूँ। लेकिन हमेशा सदाबहार रहने वाला और कभी ना भूला जाने वाला बस एक ही भाई है और वो हमारा भाई राज भाई है, डॉक्टर राज भाई। सब जगह तूने पोस्टर लगा रखा है, तेरे अकेले देखने से क्या फायदा? तेरे अपने लोग तो खुद अपनी फिल्में नहीं देखते। अपर क्लास वाले मल्टीप्लेक्स में, मिडिल क्लास वाले सिंगल स्क्रीन में। इतना ही नहीं, यहाँ की लड़कियाँ भी लोकल चैनल्स पर जो सीरियल्स लगती हैं वो भी शौक से देखती हैं। अभी तूने क्या कहा था? हमारे लोग हमारे यहीं की फिल्में नहीं देखते हैं? ए चिंपांजी की औलाद, ये लोग कौन है? हमारी फिल्मों को आसमान तक पहुंचाने वाले ये सारे हमारे ही लोग हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बच्चों। पिताश्री, भगवान सबकी रक्षा करना। आ राजा, आ जा मेरे पास आ जा। अरे सुबह सुबह क्या दर्शन करवा दिए, ला तेरी गोटियां इधर दे। मम्मी मेरी गोटी। अरे मेरी गोटी। चलता हूँ बच्चों। ठीक है भैया। अरे जल्दी तैयार हो जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। Hey!
छुपी बात सबके सब पोस्टर चिपकाने को देते हैं, मजदूरी नहीं देते। हमारी बदनसीबी है यही काम करना पड़ता है। कैश लाने के लिए भेजा तो कुरकुरे लेकर आ गया। देख ये बंकापुर नहीं है, बेंगलुरु है। होशियार रहना चाहिए वरना चीर फाड़ देंगे। हम लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत करने के लिए आए हैं, इज्जत से कमा कर अपने गांव लौट जाएंगे। देख मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ हो, ठीक है? देख तेरे गांव में तेरे माँ बाप छोटा भाई सभी हैं ना, लेकिन मेरा कौन है? मेरा तो कोई नहीं है, सिर्फ तू ही है बेटा। अब तू इधर उधर अपना मीटर दिखाना छोड़ दे और आज के बाद से तू ये मीटर चलाएगा। मतलब तुम चाहते हो कि मैं ऑटो चलाऊं? झाड़ू मारने का काम मिले तो भी ईमानदारी से करो, उसका फल देने वाला ऊपर बैठा है, ये बात भाई हम सबको बता के गए। मुझे दो रोटी खिलाकर तुमने पाला है, तो तुम कह रहे हो कि वो भी मैं ऑटो चलाकर जनता की सेवा करूं। तुम धन्य हो भाई। भले ही पोस्टर चिपकाना छोड़ दिया हो तभी भाई तेरे साथ रहेंगे। ऑटो चलाते समय भी भाई के दर्शन करते रहना, दुनिया तुम्हारी है। बड़ो भाई, आज के बाद आपका ये दास सार्वजनिक सेवक और ऑटो चालक है। आशीर्वाद दो भाई जी। अन्नप्पा बेटा ये ले। अरे बाबा बाबा बाबा, इस तरह अगर मेरे बाप ने मेरा ख्याल रखा होता ना तो माँ कसम मैं गांव छोड़कर आता ही नहीं। है 15 सालों से तेरा ये डायलॉग सुन सुनकर कान पक गए मेरे, तो खुद ही गांव नहीं जाना चाहता। छोड़ तू भी ना। सुन 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 सुन, आज का काम कैसा था? ठीक था ना? बहुत बढ़िया। मजा आया? मजा आ गया। कमाई? कलेक्शन ना? हाँ। आज का कलेक्शन ना? हाँ। कलेक्शन तो वो ऐसा तो नहीं कि किसी पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर सो गया था? अच्छा मुझे तुम कामचोर समझ रहे हो क्या? वो क्या है ना, पता है आज क्या हुआ? सुबह की जो पहली ट्रिप थी तो तुम्हारा मुंह देख कर और अपनी गाड़ी लेकर मैं सीधा वहां चला गया। ये ले लो भैया। ये ले बेटा। अरे मुझे क्यों दे रहा है ये? अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो दादी, मैं आपके काम आएंगे। रख लो आप जाओ। आपको मेरी तरफ से दिल से नमस्कार। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कहीं गौर से फिल्म देख रहे हो क्या? चिपक गए हो क्या? ये ओके, ये भी ओके, ये आईटी वालों के लिए फ्री क्यों? सर आप भाई की फिल्में देखते हो क्या? जी हाँ। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी भाई की फिल्में देखते हो? वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जब मैंने बंकार द मनुष्य फिल्म देखी है ना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उनके रास्ते पे चलना है। इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा, यहीं पे सारी जिंदगी बिताई। सरकार से मिलने वाली हर एक सुविधा मैंने ली, स्कॉलरशिप ली, बुक्स लिया, कपड़े लिए और सब लेकर मैंने अपना एजुकेशन यहाँ पूरा कर लिया। और अब मैं 4 पैसे कमाने के लालच में लोग देश छोड़कर विदेश में जाकर बाल बच्चे छोड़कर काम करते रहते हैं। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन बंगार द मनुष्य जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे मेहनत के पसीने का एक एक बूंद इसी धरती पे गिरेगा। लेकिन आप कहीं से कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हाँ। ये लैपटॉप, ये ड्रेस। दोस्त 10 साल देखना, हमारे देश का हर एक किसान मेरे जैसा ही होगा। ये लो। नहीं नहीं रहने दो, रहने दो, आप जाओ। अरे जाओ आप। अरे क्यों भाई साहब,
मैं भाई का फैन हूँ इसलिए। सर उसके लिए बिल्कुल नहीं सर, अभी आपने कहा ना कि हमारे देश का हर किसान 10 साल के बाद बिल्कुल आप जैसा लगेगा, बस उसी बात के लिए सर। आप ग्रेट हो सर, आपको सल्यूट है। सर मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ सर। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तूने बहुत अच्छा काम किया छोटे।